वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो क्या बोला गया है कि ये जो है एक टाइप का चैलेंजेस है, चैलेंजेस बता रहा है कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से पहले किस तरीके से भारत ने चैलेंजेस को झेला था उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखो क्या बोलता है कि इन इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम, सो देयर इज एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर वर्क द फॉलोइंग चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या बोला है कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसी चैलेंजेस था जिसके वजह से बहुत सारी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, ठीक है, इसका एडवर्स इफेक्ट हुआ था वो सारे काम के ऊपर। तो क्या क्या चैलेंजेस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का वो सब बता रहा है यहाँ पे। देखो प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस पॉइंट्स के द्वारा, ठीक है। तो क्या क्या बोला गया है देखो ध्यान देना। पहला दिया है ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन मतलब देखो आज के आधुनिक दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसे विकसित हो गई है जिसके वजह से जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बहुत सारी चेंजेस लेकर आया है, जिसके वजह से मेथड ऑफ प्रोडक्शन बदलने की वजह से जो प्रोडक्शन रेट है वो भी इंक्रीज हो चुका है, जिसके वजह से अगर कोई भी इंडस्ट्रीज अपने ओल्ड मेथड पे टिका रहेगा यानी कि पुराने ख्यालों में खोया रहेगा तो नए ख्यालों को जगह नहीं दे पाएगा, जिसके वजह से वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। वही बोला गया है जैसे ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन को अगर अपनाया है तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगे। तो ये चैलेंजेस था एक टाइप का। देखो जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्या बोला है, जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, द यूज ऑफ लो ग्रेड टेक्निकल नो हाउ एंड स्किल्स इज रिजल्टिंग लो प्रोडक्टिविटी इन मेनी इंडस्ट्रीज। तो क्या बोला गया है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के वजह से जो है ये लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे ज्यादा प्रेफर देते थे, जिसके वजह से ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन कहलाता था और इसी के वजह से जो उनका टेक्निकल नो हाउ था या स्किल की बात करें लो ग्रेड में आता था, जो कि बहुत लो प्रोडक्टिविटी जनरेट करता था बहुत सारी इंडस्ट्री, जिसके वजह से जो है आज के समय के हिसाब से लोग नहीं चल पाते थे, जिसके वजह से प्रॉब्लम तो क्रिएट होना तय था। अगला बात करते हैं इन एडवोकेट फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब रिलेटेड विथ पैसा, रिलेटेड विथ कैश, ठीक है। तो इन एडवोकेट का मतलब जितना उनको पैसा चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए उतना पैसा उनके पास नहीं होता था, जिसको बोलते हैं इन एडवोकेट फाइनेंस, ठीक है। तो क्या बोलता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडवोकेट फाइनेंस इज अ सीरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो सिंपल सी बात थी कि पैसा ना होने की वजह से बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम था उस इंडस्ट्रीज का, क्योंकि आज की दुनिया में अगर पैसा ना हो तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, पैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिगिंस विद अ स्मॉल कैपिटल बेस, मेनी ऑफ द यूनिट्स इन द स्मॉल सेक्टर रेज फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट, दिस यूनिट फ्रीक्वेंटली सफर फ्रॉम लैक ऑफ एडवोकेट वर्किंग कैपिटल। तो क्या बोला गया, ये सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है लो कैपिटल बेस ही है, लो कैपिटल बेस मतलब इनको पैसा उतना नहीं चाहिए चालू करने के लिए, लेकिन अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पैसा चाहिए तो वो रेज करते थे अपने पैसे को यानी कि फंड को जो है रेज करते थे कैपिटल मार्केट में। अब एक कैपिटल मार्केट क्या होता है, देखो मैंने अपने ही चैनल पे एक शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाया है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन है शेयर के बारे में। तो कैपिटल मार्केट से ये लोग क्या करते थे, शेयर्स वगैरह से ये लोग अपने फंड को रेज करते थे, राइट। तो उस वीडियो को आप देखोगे तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखो इसी को बोला गया यूनिट मतलब इसी की वजह से लैक ऑफ एडवोकेट वर्किंग कैपिटल मिलता था। अब लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब वही है कि जितना भी उनको पैसा चाहिए था वो तो मिल नहीं पाता था, जिसके वजह से ये एक टाइप का लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल कहलाता। वर्किंग कैपिटल मतलब एक साल में जो भी खर्चे आपके हो रहे हैं उसको वर्किंग कैपिटल में गिना जाता है। अगला बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का मतलब देखो हमने पहले चैप्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, अगर आपने अच्छे से पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि रॉ मटेरियल क्या होता है। तो ये जो है अगर सही ढंग से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते हैं तो वो प्रोडक्ट बना नहीं सकता है, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो बेचारा बेचेगा कैसे, नहीं बेचेगा तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगे ही होंगे। तो अनदर मेजर प्रॉब्लम क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, इन एडवोकेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। ड्यू टू दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैज टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल और पे मोर प्राइस टू गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो दो रास्ते इनके पास, या तो अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ रही है नहीं मिल पा रही है तो उनको जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा,
अदरवाइज उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा जो रॉ मटेरियल अच्छे से मंगाने के लिए, जो कि प्रोडक्ट में महंगाई बढ़ाएगी जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट फिर सेल नहीं होगा। तो कॉम्प्रोमाइज सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आगे बात करते हैं लेबर प्रॉब्लम। अब लेबर प्रॉब्लम का मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज में जो लेबर काम करते हैं जनरली वो सेमी स्किल पर्सन होते हैं या अनस्किल पर्सन होते हैं। देखो यहाँ पे काम करते करते अगर उनके पास नॉलेज आ गया तो वो लोग क्या करेंगे, इसको इस जॉब को छोड़ेंगे, दूसरे जॉब में लगेंगे। एम्प्लॉयज का काम ही होता है एक को छोड़ना दूसरे को पकड़ना। तो वही बोला गया कि लेबर अगर टर्नओवर हो रहा है तो ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या फिर अनस्किल पर्सन ज्यादा है उनको नहीं आ रहा तो ये भी प्रॉब्लम है लेबर का प्रॉब्लम। देखो मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्रूट अनस्किल एंड सेमी स्किल वर्कर्स ऑन डेली वेजेस। समझ में आ गया होगा कि ये ज्यादातर किस पे डिपेंड होता है, अनस्किल पर्सन या सेमी स्किल पर्सन से जो डेली काम करे। दिस क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ लो लेबर प्रोडक्टिविटी। तो इससे तो जनरली पता ही है कि इससे जो है लो लेबर प्रोडक्टिविटी ही होगा। देखो हायर एब्सेंटिज्म एंड पुअर जॉब कमिटमेंट, इसमें तो होता ही है, वादा वादा आज आप किए तो क्या पता वो वादा कब पूरा होगा। तो क्या होता है कि लेबर एब्सेंटिज्म भी बहुत ज्यादा हो जाता है या इनकी जो कमिटमेंट होती है वो ना के बराबर होती है, आज वादा किए तो उसको पता नहीं कब पूरा करेंगे, तो इस हिसाब से रहता है। आगे क्या बोलता है, द वेजेस आर लो ड्यू टू फाइनेंशियल लिमिटेशंस व्हिच टर्न इनटू लेबर डिससैटिस्फैक्शन एंड इंक्रीज लेबर टर्नओवर। तो वही बात कह रहा है कि इनका जो वेजेस होता है वो भी बहुत कम होता है। अब बहुत कम वेजेस होने की वजह से लेबर जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, जिसके वजह से वो काम को भी छोड़ के जा सकते हैं। इंक्रीज लेबर टर्नओवर का मतलब जॉब को छोड़ के जाना। देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, इम्प्रॉपर शिफ्ट एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी मेक्स एम्प्लॉयमेंट इन स्मॉल इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव एंड द टैलेंट वर्क फॉर डज नॉट अपॉर्चुनिटी फॉर सच जॉब। ठीक है, तो ऑप्शन है वो अपॉर्चुनिटी ऑप्शन है ये। ठीक है, तो आप लोग समझना क्या बोला गया है कि ऐसे जॉब जो ये लोग को जो जॉब सिक्योरिटी भी नहीं दिया जाता। जॉब सिक्योरिटी होता क्या है जनरली अगर मैं बात करूं, जॉब सिक्योरिटी होता क्या है, जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अगर उसको जॉब दिया गया तो ये कंफर्म नहीं करेगा कि वो जॉब जो है कब तक आपका रहेगा। वो जो है टेम्पररी बेसिस भी हो सकता है, परमानेंट बेसिस भी होगा, जैसा बिजनेस को लगे। तो जॉब सिक्योरिटी भी नहीं देता है। ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो है टैलेंटेड वर्कफोर्स भी दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनको अच्छा जॉब मिल रहा है। देखो आगे क्या बोलता है, आगे जो है पांचवा पॉइंट, मार्केटिंग प्रॉब्लम। अब ऐसे बिजनेस के पास पैसा जो है अच्छे से नहीं होता है तो मार्केटिंग का भी प्रॉब्लम इनके पास आ सकता है। अब क्या क्या मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, जैसे कि देखो यहाँ पे वो लोग अच्छे से अपने मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। देखो मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी एज इट जनरेट रिवेन्यू, राइट ना। अगर मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो रहा है इसका मतलब लोग गुड्स को परचेस करेंगे। अगर लोग गुड्स को परचेस कर रहा है तो ये रिवेन्यू जनरेट करेगा ना, इनकम तो जनरेट करेगा। देखो इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिक्वायर थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स नीड एंड रिक्वायरमेंट्स। तो क्या बोला गया, ये अगर अच्छा आप मार्केटिंग कर रहे हो तो ये जनरली होगा जो कस्टमर्स इसको अच्छे से समझ रहे हैं। अगर किसी कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जरूरत है और आप वही मार्केटिंग कर रहे हो तो वो कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को भी खरीद लेंगे। देखो इन मोस्ट केसेस मार्केटिंग इज अ वीकर एरिया ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बोला है कि मार्केटिंग जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही कमजोरी वाला इलाका है जो वो लोग कर नहीं पाते प्रॉपरली। दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिपेंड एक्सेसिवली ऑन मिडल मैन हु एट टाइम एक्सप्लॉइट देम बाय पेइंग लो प्राइस एंड डिले पेमेंट। तो ये लोग ज्यादातर ऐसे मिडल मैन के ऊपर डिपेंड होता है। मिडल मैन का मतलब वो पर्सन जो गुड्स को लेता है कमीशन बेसिस पे और बेच कर देता है, जैसे एजेंट्स वगैरह हो गया। ठीक है, उनके ऊपर ये लोग ज्यादा डिपेंड होगा या होलसेलर पर, या फिर ये लोग को जो है वो ऐसे पर्सन समय पे पेमेंट नहीं देते या लेट पेमेंट देते हैं, जिसके वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि इन लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते फ्यूचर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसके वजह से सही समय पे कुछ भी नहीं चलता है। तो ये सारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगला देखते हैं, फर्दर डायरेक्ट मार्केटिंग मे नॉट बी फेसिबल फॉर स्मॉल बिजनेस फर्म एज दे लैक द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इनका जो है ये भी मार्केटिंग सही से इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। देखो ये ज्यादातर ऐसे बिजनेसेस है जो विलेज एरिया में ओपन होते हैं। अब विलेज एरिया में ओपन होने का मतलब क्या है कि उस जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको दिखेगी नहीं। देखो सिटीज में अगर देखोगे तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हर चीजें वहां पे अच्छी तरीके से बनाई गई है, लेकिन विलेज में सभी चीजें अच्छे से बनाई नहीं जाती है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का।
आगे बात करते हैं इस प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब इनके गुड सही समय पे एक जगह से दूसरे जगह पे जा नहीं पाते ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी अदर प्रॉब्लम, राइट ना। तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। देखो, इट इज नेसेसरी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट टू फैक्ट्री एंड फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू कंज्यूमर। देखो, इनको दोनों का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, कि रॉ मटेरियल और जो फिनिश गुड है अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है तो ये लोग अपने प्रोडक्ट को सही समय पे अपने बिजनेस से मार्केट तक ना पहुंचा पाए और रॉ मटेरियल हो तो फिर वहां से अपने बिजनेस तक लेकर सही से ना आ पाए, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है सिकनेस। अब सिकनेस का मतलब क्या होता है समझना, सिकनेस का मतलब होता है बीमार इंसान। जैसे सिकनेस को हम बीमारी कहते हैं, ये एक तरीके का जैसे फीवर हो गया ये सब, तो बिजनेस भी बीमार हो सकता है। अब बिजनेस बीमार कब होगा, तब होगा जब इसके पास सही से पैसा ना हो, सही से काम नहीं चल रहा, या इसके अनुकूल कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी ना हो, या फिर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। बहुत सारे ऐसे मेजर्स प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बिजनेस बीमार हो सकता है, और बीमार हुआ तो बिजनेस को बंद भी किया जा सकता है। देखो क्या दिया है, प्रेवेलेंस ऑफ सिकनेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ वरी टू बोथ पॉलिसी मेकर एंड द एंटरप्रेन्योर। द कॉजेस ऑफ सिकनेस आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी क्या बोल रहा है कि आज के जमाने में या फिर अगर देखा जाए इनका जो सिकनेस का प्रॉब्लम था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, वो बहुत चिंता वाली बात है। क्यों चिंता वाली बात है, क्योंकि इंडिया जैसे देश में, जैसे विलेजर्स ऑफ कंट्री बोला जाता है इंडिया को, तो इसके कंट्री में एज एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे डिपेंड है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हुआ इसका मतलब एक विलेज पूरा का पूरा डेवलपमेंट खो देगा। तो इसका मतलब क्या है कि विलेज को जिंदा रखना है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जिंदा रखना पड़ेगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बीमार कैसे होता है, दो तरीकों से हो सकता है, या तो इंटरनल प्रॉब्लम से या एक्सटर्नल प्रॉब्लम से। अब इंटरनल प्रॉब्लम देखते हैं क्या प्रॉब्लम से ये बीमार हो सकते हैं। जैसे इंटरनल प्रॉब्लम इंक्लूड लैक ऑफ स्किल्स एंड ट्रेन लेबर, लैक ऑफ मैनेजरियल एंड मार्केटिंग स्किल्स एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल में देखो, इंटरनल में क्या बोला गया, अगर ट्रेन लेबर ना हो यानी कि लेबर सही से काम नहीं कर रहा और उनको पता ही नहीं कि कैसे काम किया जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, या मैनेज करने की क्षमता ना हो, सही से मैनेज नहीं कर पा रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो कर सकता है, या मार्केटिंग स्किल्स ना हो, राइट ना। आगे बात करते हैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, इंक्लूड डिले पेमेंट्स, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, इन एडवोकेट लोन्स एंड लैक ऑफ डिमांड ऑफ फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो क्या बोला गया, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स में यानी कि अगर सही समय पे उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा तो प्रॉब्लम होगा, राइट। इन एडवोकेट लोन यानी कि लोन देने में उनको मतलब जितना लोन चाहिए उतना लोन बैंक नहीं दे रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, या डिमांड नहीं हो रहा है उसके प्रोडक्ट का तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगला बात करते हैं इस पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई। अब पावर शॉर्टेज और इरेगुलर सप्लाई का मतलब जनरली आप सभी को पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्यादातर विलेज एरिया में होता है। अगर विलेज एरिया में रहते रहते इनको जो है सही से पावर नहीं दिया जाए, शॉर्टेज हो रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, या बहुत कम है, वोल्टेज कम है। इरेगुलर सप्लाई मतलब सही से उनको सप्लाई नहीं किया जा रहा है, जितना चाहिए उतना यूनिटी नहीं दी जा रही है, तो उसके हिसाब से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको बोलते हैं प्रॉब्लम पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई। देखो क्या बोलते हैं, हायर कॉस्ट ऑफ पावर एक्विजिशन, लोड शेडिंग, फ्रीक्वेंट पावर कट्स, इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड राइजिंग पावर चार्जेस बैडली अफेक्टेड द प्रोडक्टिविटी। तो पावर के हिसाब से यानी कि लाइट वगैरह ये सब के वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे कि पावर एक्विजिशन करना उनके लिए बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पड़ता है, या लोड शेडिंग यानी कि जो काम चल रहा है उस पर लोड ज्यादा पड़ रहा है, या फ्रीक्वेंट पावर कट हो रहा है, पावर आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है तो ये प्रॉब्लम, या इरेगुलर सप्लाई हो रहा है, सही से वो पावर देता ही नहीं, एक दिन देता है दो दिन नहीं देता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, या वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है कम ज्यादा हो रहा है, राइट ना, या फिर उनका जो चार्जेस है वो बढ़ते जा रहा है जिसके वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करेगा। अगर प्रोडक्ट बन रहा है सस्ते में लेकिन पावर चार्जेस की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ रहा है और बढ़ने की वजह से उसके प्रोडक्ट का दाम भी इनडायरेक्टली बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट है ग्लोबल कंपटीशन। अब ग्लोबल कंपटीशन का मतलब क्या है, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर भाई वो तो विलेज में बना ही रहा है लेकिन विलेज में वो अगर प्रोडक्ट बेच रहा है और बेचने के साथ साथ वो चाहता है शहर में आओ तो शहर में खूंखार डाकू बैठे हुए वैसे बिजनेस को खाने के लिए, राइट ना, कि यहाँ पे लार्ज स्केल बिजनेस का पूरा कब्जा है।
अगर लार्ज स्केल बिजनेस चला रहा है और उसमें बीच में स्मॉल स्केल आए तो उसको तो खा ही जाएगा लार्ज स्केल बिजनेस, तो ग्लोबल कॉम्पिटिशन को भी इनको फेस करना पड़ता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। देखो अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टार्टेड अब स्मॉल बिजनेसेस आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑन द टेक कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी पॉलिसी बिगेन फॉलोड बाय सेवरल कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्या बोला गया, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से ये जो है बहुत सारे कंट्री ने इसका एक्सेप्ट किया। देखो ये क्या होता है, जनरली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, लिबरलाइजेशन मतलब होता है फ्रीडम देना, इसका मतलब क्या होता है फ्रीडम देना, जो भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट के, टैक्सेस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको डिमोनलाइज करना, कम कर देना, और कुछ जो बेकार रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हटा देना, उसको लिबरलाइजेशन बोला जाता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है हर पर्सन को प्राइवेटली यहाँ पे मौका देना कि अपने बिजनेस को ओपन कर सकते हैं, और ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबली बिजनेस को लेके जाया जा सकता है या ग्लोबली से बिजनेस को लेकर आया जा सकता है देशों के अंदर। तो ये जो है इसके वजह से भी कहीं ना कहीं बिजनेस पे अफेक्ट करता है, जिसको बोला जाएगा ग्लोबल कॉम्पिटिशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ देश के ही बिजनेस नहीं होंगे लार्ज वाले, बल्कि पूरे पूरे विदेश के भी बिजनेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को होप सो समझा होगा ये, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग याद रखना। तो इस टॉपिक को बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब अगला वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर कोई भी डाउट आपको होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।